हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अंकित जांगड़ा टेस्ट पर। दोस्तों, क्या आप एक पीएनबी यूजर्स हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है और अगर आप वहां से डेबिट कार्ड अगर न्यू लेते हो तो आप वहां पे पिन जनरेट कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएनबी अकाउंट के डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साइड में बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, जैसे कि एटीएम मशीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना कार्ड जो आपका है डेबिट कार्ड वही यहाँ पे डालना है इसमें। और फिर कार्ड डालने के बाद आपके पास स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा वेट करना है। फिर यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट चेंज पिन, आप क्लिक करना है। फिर ओटीपी जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने ओटीपी जनरेट पिन पहले से कर रखा है तो मेरा ओटीपी आया हुआ है, तो इस तरह से मेरा ये आ रहा है तो आपका अलग आएगा क्योंकि आपने अभी तक ओटीपी अगर आपका नहीं आया होगा। तो जैसे कि मैं वो बी पिक डाल रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो आपका ये लिखा आएगा ओटीपी हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपका ऐसे आ जाएगा और आपके फ़ोन पे ओटीपी चला जाएगा। फिर आपको अपना कार्ड बाहर निकाल लेना है। फिर निकालने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको थोड़ा वेट करना है। फिर से आपको इसी तरह से आ जाएगी, फिर से आपको क्रिएट जनरेट पिन पिन कर रहा है और ओटीपी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पे अपने जो ओटीपी आए थे आपके फ़ोन पे वो यहाँ पे आपको ऊपर डाल देना है। और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको जो यस का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा वेट करना है। फिर आपके पास लिखा आएगा पिन जनरेट, तो आपको यहाँ पे अपना कोई भी नया पिन जनरेट कर लेना है आपको 4 अंकों का। फिर आपको दोबारा ऑप्शन आएगा पिन चेंज का, तो आपके आपको फिर से अपना वही पिन चेंज करना है, वही पिन लिख लेना है। तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर ट्रांजेक्शन इन अंडर प्रोसेस, आपको थोड़ा वेट करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा पिन चेंज सक्सेसफुल, और फिर आपको वेलकम लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मुझे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ।